करता हूँ। आज की हमारी युवा बेटियों को और हमारी बहनों को यूसुफ जलाला की तरह से शिक्षा के लिए गोली खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो एक पाकिस्तान की 18 साल की लड़की जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर गोली खाकर भी जो है निडर होके वहाँ शिक्षा को बुलंदियों तक पहुँचाया। आंग सान सू की बात करते हैं, पूरी जिंदगी जेल में रहकर भी डेमोक्रेसी के लिए म्यांमार के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। तो मैं साथियों इस बात परिप्रेक्ष में ये बात कह रहा हूँ, इस देश में आज सब कुछ आपके पक्ष में है, भारतीय संविधान के में हर चीज आपके पक्ष में निहित है। नारी का एम्पावरमेंट कहिए, मानवता की बराबरी कहिए, आपके लिए न्याय की बात कहिए और यहीं देश का विकास की बात करिए, सब कुछ हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दिया है। उसके पहले ही देश के अंदर 2500 साल पहले तथागत ने क्रांति की थी, तथागत ने इतना बड़ा धम आपको दिया है। सबसे पहले मैत्री और करुणा का पाठ पढ़ाने वाले इस देश के अंदर भगवान बुद्ध हुए हैं, लेकिन वो एक कंस्पिरेसी के तहत उसको मार दिया गया है, उसका गला घोट दिया गया है, क्योंकि उसके पीछे साजिश है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपके पास इस देश के अंदर इतना बड़ा हथियार है, बाबा साहब और भारतीय संविधान है, तथागत भगवान बुद्ध और आपके पास धम है, तो आज तब भी देश के अंदर डोरी डेथ क्यों होती है, आज देश के अंदर चाइल्ड मैरिज क्यों होता है, आज इस देश के अंदर हमारी माता बहनों का देह व्यापार क्यों होता है। आज भी हमारी माताएं बहनें इस देश के विकास के अंदर बराबरी के हिस्सेदार और भागीदार क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदूवादी मानसिकता जो कि गैर बराबरी की मानसिकता है, जो संकीर्ण मानसिकता है, जो नारी के विपरीत मानसिकता है, उन्होंने कभी नारी को देश के अंदर भागीदारी और हिस्सेदारी की बात को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। तो मैं आप लोगों को कैटेगरी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ साफ साफ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, कोई दूसरा आदमी इस महान काम को करने वाला नहीं है। आपको अपनी बहन माताओं को अपने घर में परिवार में समाज में जहां पर भी आपके साथ किसी भी तरीके से नारी का कोई भी संबंध है, आपको उसको एम्पावरमेंट और इमेंसिपेशन के लिए उसके आगे बढ़ने के लिए आपको अपने हित को त्यागना होगा, अपने अधिकारों को त्यागना होगा, अपनी अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जब ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी ने बोला कि मेरे कंधे पर जाओ और जाके छलांग ला के छक्का मारो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने भी ये बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है कि इस समय हम भले ही हम बहुत बड़ा राजनीतिक या सामाजिक काम अपने नाम से या काम से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने एक निर्णय लिया है साथियों, इस प्रोग्राम से पहले ही हमने निर्णय लिया है कि हम जो काम करना चाहते हैं उस देश के अंदर भारतीय नारी के माध्यम से उनको अपना लीडर बना के, उनको अपने सिर पर और उनके अग्रणी करके उनके लिए हम काम करेंगे, ऐसा हमने ऐलान किया है और ऐसा हमने अपने आप को तैयार किया है। इसलिए मैंने दिल्ली में और दिल्ली के NCR में सैकड़ों ऐसी एक्टिविस्ट नारियों के साथ जो कहीं पर भी किनका योगदान वो नहीं रहा है, उनको हमने जो है हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको आगे लाने के लिए उनके साथ हम उनके लिए काम करने के लिए हमने आप लोग को तैयार किया है। जब तक हम अपना माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने घरों के अंदर से अपनी संकुचित विचारधारा को नहीं निकालेंगे, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि नारी इस देश के अंदर महान है, नारी देश को अच्छी तरह से चला सकती है, नारी इस देश के अंदर अगर शासक होगी देश और ज़्यादा तरक्की करेगा, जब तक ये विचारधारा हम खत्म नहीं करेंगे इस देश का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। ये गैर बराबरी की सोच हमें खत्म करनी है, नारी को बराबर में लाने के लिए हर पुरजोर लड़ाई लड़नी है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे घर हो, चाहे गली मोहल्ला हो। इसलिए आइए हमें प्रण लेते हैं इस माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर कि आज के बाद हमारा जो भी कदम होगा, जो भी प्रयास होगा, हमारी बहन बेटी हमारे हमारे ऑफिस या परिवार में या समाज में नारी के एम्पावरमेंट के लिए होगा, उसके विकास के लिए होगा और उसकी बराबरी हिस्सेदारी के लिए होगा, उसकी भागीदारी के लिए होगा, ऐसा हम प्रण लेते हैं। ऐसा संविधान भी कहता है, ऐसा तथागत का धम भी कहता है और ऐसे हमारे महापुरुषों ने समय समय पर ऐसा बिगुल बजाया है। तो इसलिए साथियों मैं यहीं आप लोगों से इस आंदोलन के लिए आज आपसे निवेदन करता हूं कि आइए एक मुहिम छेड़ते हैं कि भारतीय संविधान और भारतीय नारी और भारत के बाबा साहब इस देश के अंदर सर्वोपरि होंगे, उसके लिए हमारे अपने अधिकार हम रिलिंक्विश करेंगे, हम अपनी चीज़ों को हम अपने हकों को त्याग करेंगे और भारतीय नारी को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से प्रयास करेंगे। यही बात मैं कह के अपनी वाणी को आराम देता हूँ, चंद शब्दों में इतना ही कह सकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।